भारत महोत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम मैं भारत के तिरंगे तिरंगे को नमन करता हूँ। अपने भारत के संविधान को नमन करता हूँ। भारत के जितने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जज साहब कटियार साहब का भी नमन और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी हमारे अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर दीनाराम मौर्य जी का जो अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी मैं स्वागत और नमन करता हूँ। और सत्यनारायण मौर्य जी का जो अशोक क्लब के महाप्रबंधक है उनका भी नमन करता हूँ। और इस मंच पे बैठे कानपुर से आई श्रीमती ज्योति कुशवाहा का भी स्वागत। जैसा कि आज का विषय है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में ही केवल बोलना है तो राष्ट्रीय प्रतीक तो बहुत है। अगर एक एक प्रतीक के बारे में भी बोलने लगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि एक एक प्रतीक का बहुत गूढ़ मतलब है। ऐसा नहीं कि जो हम प्रतीक देख रहे हैं वो प्रतीक बस देखने भर मात्र से वो देखने भर मात्र से नहीं है। एक एक प्रतीक बहुत कुछ बोलता है, उसको समझने की चीज है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं जो हमें बोलना चाहिए उसमें से ज़्यादा समय मैं थोड़ा बोल करके अपना समय माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देना चाहूँगा। वो हमारे समय में से ज़्यादा से ज़्यादा बोले और लोगों को बताएं। मैं प्रतीकों में से एक प्रतीक केवल अशोक चक्र के बारे में बोलना चाहूँगा। हम सभी लोग चक्र को देखते हैं, तिरंगे झंडे में चक्र बना है, अशोक के नाक में चक्र बना है, लेकिन चक्र है क्या है, चक्र लिया कहां से गया, ये हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम, ये हमको जानना चाहिए। आपको बता दूं ये जो चक्र भगवान बुद्ध के हाथ पर जन्म से ही बना है। ये चक्र जो है भगवान बुद्ध के हाथ के जन्म से ही बना हुआ था। सम्राट अशोक ने ये चक्र वहीं से लिया है। ये चक्र जो हमारे तिरंगे झंडे में देख रहे हैं ये वहीं से लिया गया है, जो अशोक के लाट में है ये वहीं से लिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं ये सारी उसमें लिखा हुआ है। ये चक्र क्या चीज है, हम ये देखते तो हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि चक्र है क्या। मैं बता दूं तो आपके पैर के नीचे से जमीन की सके ये चक्र है क्या। ये चक्र बहुत बड़ी चीज है, ये चक्र बहुत कुछ होता है। मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे मैं पूछूंगा ईसाई धर्म का प्रतीक क्या होता है आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस होता है। इस्लाम धर्म का प्रतीक क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, चांद तारा होता है। हिंदू धर्म का प्रतीक क्या होता है, ओम होता है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र होता है। बौद्ध धर्म का क्या होता है, प्रतीक चक्र होता है। मैं थोड़ा समय कम है लेकिन मैं चक्र के बारे में बताता, कोई बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई एक चक्र होता है। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, अगर मैं पूछूं
तिरंगे झंडे में छठ के जगह पर चार तारा बना रहा है। तो झंडा देख लिया आप लोग क्या सोचते, भारत कौन सा राष्ट्र है? क्राफ्ट बना रहा था तो ओबरा बना रहा था तो चक्र बनाया, तो आप लोग समझ नहीं आ रहा भारत कौन सा राष्ट्र है। आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि भारत कौन सा राष्ट्र है, ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत कौन सा राष्ट्र है। आप यहाँ क्यों डिस्कशन कर रहे हो कि भारत कौन सा राष्ट्र है, कौन सा राष्ट्र है? पूरी दुनिया जानती है भारत कौन सा राष्ट्र है। भारतीय भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का राष्ट्र। आज भारत में जो कोई भी कहता है कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, वो भारत को भी नहीं मानता। मैं ये सिद्ध करके बता दूंगा यहीं पर कि वो कैसे भारत को नहीं मानता। आपसे मैं पूछूं कि आप भारत को मानते हैं, आपका क्या जवाब होगा? आपका यही जवाब होगा कि हाँ मैं भारत को मानता हूं, भारत मेरा देश है, भारत के लिए मैं अपना जान दे सकता हूं। अब मैं पूछूं कि भारत की पहचान क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि भारत की पहचान अशोक की लाश है। तो जब भारत को मानते हो तो तुम्हें अशोक के लाश को भी मानना पड़ेगा। अब मैं पूछूं कि अशोक की पहचान क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अशोक किसका किसका फॉलोअर था, किसको मानता था? बुद्ध को मानता था। अब आप कहते हो कि मैं बुद्ध को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, यानी वो अशोक के लाश को भी नहीं मानते, अशोक के लाश को नहीं मानते, भारत को भी नहीं मानते। इतने लोग भी इस इंडिया में बुद्ध को नहीं मानते, वो भारत को भी नहीं मानते। आपके बिल्कुल आपको ऐसे लोगों को बताना और सही रास्ते पे लाना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो बहुत चीजें, मैं यही पे अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आगे कभी मौका मिलेगा तो अलग से मैं बातें करूंगा। मैं अपना पूरा समय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसा रास्ता दिखाएं कि आगे आने वाला भारत आप हो। हम लोगों ने जो अशोक की तलवार थी, जानते हैं हम लोगों ने अशोक की जो तलवार थी उसको इतना अपने खेतों में इस्तेमाल कर दिया कि वो तलवार खुरपी में तब्दील हो गई। वो तलवार किसके तब्दील हो गई? खुरपी में तब्दील हो गई है। अब आप लोगों को उसी खुरपी को फिर से पीट पीट के क्या बनाना है? तलवार बनाना है और भारत की सत्ता को फिर से हासिल कर दी। आप लोग समझे, एक आ रहे थे तो भी कह रहे थे कि मौ लोगों पर ज्यादा मत बोलिए। मौ कोई जात नहीं है, मौ एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। आज भी जहां खुदाई होती है क्या करते, मौ का नहीं। जब भारत हमारा आजाद हुआ था, यहाँ पे कोई अच्छे होटल नहीं थे, तो भारत सरकार ने होटल बनाया, उनका नाम जानते क्या रखा है? अशोका हो गए, अशोका को मौर्य से रखा। मौर्य कोई जाति नहीं है, गलत फॉर्म में ना रहिए। मौर्य नाम से ट्रेन चलती है, मौर्य एक्सप्रेस। कोई आज तक मौर्य को रेल मंत्री नहीं रहे, वो भी चाहते तो रख सकते थे, नहीं रखते। मौर्य की संस्कृति है, सभ्यता है, पहचान है। कभी भारत का राष्ट्रपति जिस कुर्सी पे बैठता है, जानते हैं उसको क्या लिखा है? उसके पाली भाषा में लिखा है धम्म चक्र पवित्र। मैं इस कुर्सी पे बैठकर भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते के अनुसार कार्य करूंगा, ये उसकी कुर्सी पे लिखा है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी शायद गए होंगे, मिले भी होंगे, देखे होंगे। भारत का राष्ट्रपति जो बैठता है उसके पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और राष्ट्रपति भवन में एक ही मूर्ति है, वो किसकी है? भगवान बुद्ध की। सारे में जाती है
भगवान बुद्ध के की मूर्ति हटा के किसी दूसरे की मूर्ति रखेंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो जानते हो क्या कहेंगे, भारत को आतंकवादी देश है। तो यहाँ के लोग भी जो कुर्सी पे बैठे हो जानते हैं ये देश किसका है, लेकिन मौर्य ने तो पता ही नहीं देश किसका है। जिस दिन मौर्य जी को पता चल जाएगा कि ये देश मेरा है, वो दिन बताने की जरूरत नहीं है दिल्ली और लखनऊ को दूर नहीं हो। आपको मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, फिर अलग से कभी बातें होंगी। सफल बनाने में आप लोगों ने सहयोग दिया, धन्यवाद।